ये देखो गाइज, इतने सारे कमेंट्स स्टडी हैक्स करो, स्टडी हैक्स करो, स्टडी हैक्स करो, तो आप लोगों ने तो हमें मजबूर कर दिया स्टडी हैक्स करने के लिए। गुड मॉर्निंग आशा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आई अनु। मैम अनु अभी पढ़ाई में कैसी है? आयु और अनु दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, एकदम डिसिप्लिन बच्चे हैं। बट जो आयु है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है। ओह नो। माना कि वो ऑर्गेनाइज है, सब की टर्म्स कवर करती है, उसको कॉन्सेप्ट आता है, वो स्ट्रेस लेती है तो उसका पेपर इनकम्प्लीट हो जाता है और जो हमें चाहिए वो मिल नहीं पाता है। और दोनों ट्विंस तो है लेकिन डिफरेंस तो काफी है दोनों के अंदर। फिर अब जो अनु है, अब वो तो उल्टा, वो तो एकदम स्ट्रेस फ्री है, एकदम फोकस्ड है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, उसको सब कॉन्सेप्ट भी आता है। अनु जो है पेपर लिखते समय थोड़ी बहुत सब मैसअप कर देती है, उसे ऑर्गेनाइज नहीं रहती, जैसे आयु ऑर्गेनाइज है वैसे ये ऑर्गेनाइज नहीं है। जो आयु को आता है वो अनु को नहीं आता और जो अनु को आता है वो आयु को नहीं आता, और दोनों सेकंड आए हैं। अच्छा मिस, थैंक यू। अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो सारे बिहाइंड द सीन्स ब्लूपर्स सब चीजें से अपडेटेड रहने के लिए। आज हम आपको बताने वाले हैक जिससे आप इस सिचुएशन में ना पड़ो। हाँ तो गाइस अभी आपसे तो बात कर लिया, अब मैं अपना जरा इससे निपट लूं। आयु यार तू मतलब इतनी ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहती है? मिस बिया से ही बड़ी तारीफ कर रही थी। देख हर चीज का एक तरीका होता है। अब ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए मैं दो चीजें करती हूँ जो मुझे एकदम ऑर्गेनाइज रखती है। तो अब ऑर्गेनाइज रहने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एक टाइम टेबल बनाना। हम सब टाइम टेबल तो बना देते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते, ये गलत बात है। हमें हमेशा अपना टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, तो हमें अपने मुताबिक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसमें फ्री टाइम सब रहना चाहिए। अब टाइम टेबल बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका ये होता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कब से लेके कब क्या करना है। इससे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता और जो भी दिन के गोल्स थे, जो भी आपको काम ख़त्म करना था उस दिन, तो वो सब हो जाता है। तो इसलिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो टू डू लिस्ट बनाने का, अब जो भी तुम्हें टास्क करना है पूरे दिन में वो सब लिख देने का, उसके बाद जैसे ही वो टास्क खत्म हो जाता है टिक डाल देने का। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वाह मतलब तू होमवर्क कैसे याद करती है? मैं तो दो सेकंड में भूल जाती हूँ कि होमवर्क क्या करना है। अरे अब इसका भी एकदम सिंपल वे है। अब होमवर्क याद करने के लिए मैं एक और चीज करती हूँ। तो जब भी वो टीचर बताती हैं, जल्दी से अपना नोटपैड निकाल देने का और नोटपैड पर लिख देने का होमवर्क, और उसके बाद उसे ऐसी जगह में चिपका देने का जहाँ हमेशा देखते हो। तो हम लोग उसे उधर ही चिपकाते जैसे मैंने इधर कंप्यूटर में चिपकाया है। तो जब भी मैं कंप्यूटर के पास आ जाऊंगी तो मुझे मेरा होमवर्क दिख जाएगा और मैं आराम से मेरा होमवर्क कर लूंगी फिर। अरे वाह क्या बढ़िया है, क्या हाई फाई। कर दी ना तूने गलती, अब क्या हुआ? फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। कॉल आ रहा है किसका, मैसेज चेक करूं, तो ये पढ़ाई का बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इस फोन को रख देने का एकदम दूर, और हम दोनों ठहरे आए थे तो हम सोचे कौन इतना दूर जाएगा, लेगा फिर देखेगा मैसेज, उससे अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, तो पढ़ाई भी हो जाएगी और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, है ना? एकदम मस्त आ गया। अरे वाह तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, अब समझ आया तू इतनी फोकस कैसे रहती है पढ़ाई में। लेकिन अब क्या होता है ना, जब पढ़ने बैठते हैं तो सब इम्पोर्टेंट काम याद आती है कि इसको ये करना है, इसको ये कॉल करना है, इसको ये मैसेज करना है, तो फिर उसका क्या करे? अरे सिंपल, एक डिस्ट्रैक्शन शीट बना। डिस्ट्रैक्शन शीट? मैंने भी एक डिस्ट्रैक्शन शीट बनाई है, उसमें क्या रहता है ना, तो समझो तुझे याद आया कि हाँ याद आया कि मुझे उसको कॉल करना है, तो मैं इसको इतने बजे कॉल कर लूंगी, तो डिस्ट्रैक्शन शीट पे लिख दे कि मुझे इतने बजे कॉल करना है। फिर बाद में जब तू पढ़ लेगी तो डिस्ट्रैक्शन शीट लेने का, देखने का कि तुझे क्या क्या याद है, तुझे क्या क्या काम करना है, उस काम को कर लेने का, काम भी हो जाएगा पढ़ाई भी हो जाएगी। ओ समझी समझी, तो फोन दूर, अब पढ़ाई कर। यार
अरे वो मुझे ग्रुप स्टडी की कितनी याद आती है। जब मैं अपने दोस्तों के घर जाती थी हम लोग इतना मजा करते थे, साथ में पढ़ते थे। काश ऐसा हम अभी भी कर सकते। अरे ऐसा किसने कहा कि अभी नहीं सकता है। अब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ग्रुप स्टडी हो सकता है। अब तेरी बहन तो मैं हूँ तो तू मेरे साथ कर सकती है। अगर तुझे अपने दोस्तों के साथ करना है तो दोस्तों के साथ भी ऑनलाइन कर सकती है। देख सपोज मैं हूँ और मेरी एक दोस्त है तो मैं एक चैप्टर लूंगी, वो एक चैप्टर लेगी, फिर उसके एक दिन पहले हम लोग उस चैप्टर को एकदम थरली पढ़ेंगे, उसके बाद उसके नोट्स बनाएंगे, फिर अगले दिन अपनी दोस्त को वही एक्सप्लेन करेंगे और नोट्स एक्सचेंज करेंगे, वो भी अपना सेम करेगी। इस तरीके से दोनों को सब समझ आ जाता है। और तुझे पता ही है ना कि टीचिंग से हमें खुद भी एकदम अच्छे से समझ आ जाता है, तो खुद भी समझ आएगा और दोस्त को भी समझ आएगा। ये बहुत इफेक्टिव वे होता है लर्निंग का। अरे वाह क्या आइडिया, चलो हम वैसे ही पढ़ते हैं अभी। हाँ चल हम दोनों ऐसे पढ़ते हैं। तू चैप्टर नंबर 1 कर, मैं चैप्टर नंबर 3 करती हूँ। हाँ चल भी पढ़ते हैं। आयु यार स्क्रीन से थोड़ा देर बाहर निकल, इतना स्क्रीन टाइम हो गया तेरा, 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, वो भी तो विदाउट ब्रेक स्क्रीन पे ही लगे, तो माइग्रेन और हेडेक होगा ही ना। स्क्रीन से बाहर निकल, अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर। और अगर ब्रेक ले तो इसका मतलब नहीं कि मैं फोन में देखूं कि मेरे को क्या मैसेज आया। बाहर नहीं तो बालकनी में बैठ, कॉफी पी, अपने मामा पापा से बात कर या मेरे साथ बात कर, थोड़े मजे कर, स्क्रीन से निकल बस। ओके हाँ गाइस, कुछ दिन पहले मुझे भी माइग्रेन आया था जिससे मुझे हेडेक और वॉमिट हो गई थी। इसके लिए मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी। क्या है कि हम अभी उठते हैं, अभी तो ऑनलाइन स्कूल है तो हमारा ऑलरेडी स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग को जब फ्री टाइम मिलता है हम सोचते चलो चलो मैं टीवी देख लेती हूँ, फोन देखती हूँ, तो उसके वजह से बहुत स्क्रीन टाइम होने की वजह से मेरे सर में हेडेक हो गया था, माइग्रेन आ गया था। इसलिए गाइज आप ऐसा मत करो, आपको जब भी टाइम मिले आप फ्री टाइम में बाहर घूमो। हाँ गाइज आप लोग की डिमांड पे हमने स्टडी एक्स लाया है, इतना सब कमेंट्स आए तो हमने बोला चलो हम आपके लिए एक स्टडी एक्स का वीडियो बनाते हैं। अगर आपको ऐसे और हैक्स या पार्ट 2 चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताना। और हाँ मैंने आपको कहा था स्टार्ट में भी और अभी याद दिला देती हूँ, अब हमेशा भूल जाते हो, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, और ऑब्वियसली हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो ब्लू बॉस के लिए, बिहाइंड द सीन्स के लिए, और लाइक भी कर दो, शेयर कर दो। ओके गाइस तो मिलते हैं हम आपके एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।